नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से फिर से मैं ले चलता हूँ नया शादी पेंटिंग में। देखिए माउथ स्प्रे के द्वारा हम लोग किस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं। देखिए सुंदर सा इसमें हम लोग स्ट्रक्चर बना चुके हैं, जैसे बोलना चाहिए पेंसिल से स्केच करे हैं। देखिए उसके बाद माउथ स्प्रे से हम लोग स्प्रे कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से आप लोग भी स्प्रे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये वेडिंग कलर है, इसको आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से कलर कर सकते हो कर लीजिएगा, अच्छा ही दिखता है। ये स्पेशल वेडिंग पेंटिंग के लिए आता है। तो देखिए इस तरीके से वेडिंग पेंटिंग चल रहा है। तो स्प्रे हो जाने के बाद मैं हाथों से हल्का हल्का कलर लाइट दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये हमारे गांव की शादी है, जो सचिव महोदय जी की यहाँ का शादी है, तो थोड़ा वो हमारा क्लोज है, उसीलिए थोड़ा अच्छा से कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा अच्छा से दिखे इसलिए और अच्छे से लाइट बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट दिखे, उभरा जैसा लगे। उसके बाद देखिए ऐसे बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बने गए। पेंटिंग के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दिखाई देगा। तो गाइस बहुत ही सुंदर पेंटिंग बन रहा है। तो धीरे धीरे देखिए आउटलाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है अभी। आउटलाइन हो जाने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पेंटिंग किस तरीके से बन रहा है। देखिए हमारा पेंटिंग का आउटलाइन स्टार्ट हुआ है। तो अभी मैं गुलाब फूल बना रहा हूँ, गुलाब का फूल रोज। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो दोस्तों। देखिए ऐसे ही बहुत अच्छा दिखेगा। तो गाइस मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो दोस्त नए वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। कमेंट करके पूछिए, बताइए किस तरीके से बना, क्या कमजोरी है वो बताने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसमें सुधार करें। और जो भी त्रुटि हो तो बताइए, हम कोशिश करेंगे। बट अभी हम लोग सीख ही रहे हैं दोस्तों, तो कुछ कुछ गड़बड़ी होता चाहिए है। तो गाइस देखिए पेंटिंग इस तरीके से बना हुआ है, अभी बन ही रहा है। देखिए किस तरीके से दिख रहा है दोस्तों, आपको वीडियो लास्ट होने पर आपको पता चलेगा। देखिए हमारा प्रोसेस अभी तक चालू है, काम कर रहे हैं दोस्तों। बहुत धूप था, धूप के कारण हमारा पेंटिंग कार्य में पूरा दिलो दिमाग खराब हो जाता है। अभी का स्थिति बहुत धूप था, धूप में ही काम करना पड़ता है, लेकिन क्या करो, काम तो काम ही होता है, फिर भी लोग बहुत ही कम पेमेंट देते हैं। तो गाइस बहुत धूप में काम करने के बाद ही हम लोगों का मेहनत रंग लाता है, उसीलिए आप लोगों को नया डिज़ाइन देने के लिए हम लोग बहुत धूप में भी नया डिज़ाइन डालने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। तो देखिए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटा को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही दोस्तों मैं नया वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए आपके यहाँ पहुँच जाए और आप उसे आसानी से देख लें। देखिए हमारा पेंटिंग इस तरीके से बना है। थोड़ा सा और लाइटिंग आएगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा त्रुटि है, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है, कंप्लीट होते ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। अधूरा अधूरा है, उसको सजा रहा हूँ मैं। देखिए छोटा छोटा सजाने का प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको सजा रहा हूँ, फिर देखिए किस तरीके से पेंटिंग हमारा निखर कर आता है। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि हमें आप ही लोगों की दुआ की ज़रूरत है, आप ही लोगों को वीडियो को देखने का। आप लोग देखेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो
तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। तो गाइस फिर से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त नए आए हैं, जो वीडियो को मेरा देख रहे हैं, उन लोगों को धन्यवाद। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर बने रहिए। आपका वीडियो का उस घर की शादी का जो डिज़ाइन था, वो पूरा प्रोसेस दो पीछे साइड में दिख रहा है, वो सब आपको दिखाई देगा। तो लास्ट तक इंतज़ार कीजिए, पूरा डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए डिज़ाइन। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। धन्यवाद।